तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस शो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्र गौरव यानी कि पर्यावरण एवं मानवाधिकार, जो कि सभी सभी के लिए कंपलसरी, वो चाहे बीए फर्स्ट ईयर, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, सभी में ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये खास बात इस वीडियो की ये है कि इस जो वीडियो में बताने वाला हूँ क्वेश्चन, वो 2020 का पूरा मॉडल पेपर है। आप देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और कुछ यूनिवर्सिटी में हो चुका है। तो जिन यूनिवर्सिटी में हो चुका है, ये वहीं से मैंने रिसीव किया है ये पूरा मॉडल पेपर। तो आप सभी को मालूम होगा कि राष्ट्र गौरव में ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जो कि जनरली क्वेश्चन आते हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ ये एक ही यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है, यही सारे क्वेश्चन एक ही यूनिवर्सिटी में आएंगे, अदर में नहीं आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें से कुछ 100% मैं कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको, चाहे वो जो भी यूनिवर्सिटी हो, सभी में देखने को मिलेंगे, ओके। तो आपको वीडियो को पूरी देखना और सही से समझना, क्योंकि ये 2020 के क्वेश्चन हो सकता है इसी में से आपके एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये ऊपर का एक एनवलप यानी कि ऊपर का एक पेज मैंने कैप्चर करके डाल दिया आप लोगों को प्रूफ दिलाने के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई, ये मैं जो कह रहा हूँ कि 2020 का है अभी का, ठीक है, वो करेक्ट है। फिलहाल इनके जितने भी यानी कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे और उनका आंसर मैंने अपने सिस्टम में लिख के आप तक प्रोवाइड किया है, जो कि कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिए हैं, जो कि आपको अभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन 4 मिल जाएंगे, ओके। तो आप देख पा रहे होंगे जो राइट आंसर मैंने उस पर टिक कर दिया है, ठीक है, 1857, 1942 और 1890, 1947। तो राइट आंसर उस पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1857 में। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने उस तरह कर लिए हैं जिससे आपको सही से समझ में आए, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो मैंने इससे पूरे 100 क्वेश्चन हैं, आपने देखा ही, पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं मार्क्स, ठीक है, मार्क्स 100 नंबर का होता है, पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस वीडियो को यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि जो भी क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और सेकेंड पार्ट में इसका लाऊँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं हाफ हाफ करके क्वेश्चन बताऊँगा जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया। तो ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नंबर एक है मुगलों, बी नंबर यूनानियों, सी नंबर अंग्रेजों और डी नंबर है ईरानियों। तो निम्न में से जो इंडिया का नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, ठीक है, तो आप आंसर की के रूप में इसे अपना क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, ठीक है, मैं राइट आंसर बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर, यूनानियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक थे, नंबर एक राधा कृष्णन, बी नंबर विवेकानंद, सी नंबर रामानंद और डी नंबर है दयानंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो दयानंद जी थे, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इसी बार एग्जाम में पूछे गए, तो आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, नंबर एक राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर भीमराव अम्बेडकर और डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को शायद मालूम ही होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है या गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन मिल जाएंगे 26 जनवरी, बी नंबर 15 अगस्त, सी नंबर 14 अगस्त और डी नंबर 2 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन समझिए गणतंत्र दिवस पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, 26 जनवरी। अभी यही क्वेश्चन हो जाता कि स्वतंत्रता दिवस या ठीक स्वतंत्र दिवस, तो यहाँ पर राइट आंसर होता बी नंबर, ठीक है, लेकिन गणतंत्र दिवस की बात हो रही है इसलिए राइट आंसर 26 जनवरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन है,
समकालीन है, ऑप्शन है बेबोलियन, बी नंबर है चीन की सभ्यता, सी नंबर मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है, नंबर एक बौद्ध, बी नंबर वैदिक ब्राह्मण, सी नंबर जैन और डी नंबर है आजीवक। तो जो धम्मपद है, ठीक है, वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा एक प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है, नंबर एक गुजरात, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर मध्य प्रदेश और डी नंबर है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एलोरा एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रसायन विज्ञान का विद्वान था, ऑप्शन एक है नागार्जुन, बी नंबर नागसेन, सी नंबर सुश्रुत और डी नंबर है अश्वघोष। तो निम्न में से जो रसायन विज्ञान का विद्वान था वो था नागार्जुन, नागार्जुन जी थे, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे एग्जाम में क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में इसी बार पूछे गए हैं, तो हो सकता है रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप सही से समझिएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, नंबर एक केशव चंद सेन, बी नंबर राजा राम मोहन राय और सी नंबर विवेकानंद और डी नंबर रविन्द्रनाथ। तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय जी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ महिला सम्मेलन संपन्न हुआ था, नंबर एक 1998, बी नंबर 1995, सी नंबर 1947 और डी नंबर 2000 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ महिला सम्मेलन संपन्न हुआ था सन 1995 में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1995। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आर्य किस भाषा का शब्द है, नंबर एक द्रविड़, बी नंबर ग्रीक, सी नंबर लैटिन और डी नंबर संस्कृत। तो मैं आपको बता दूं, आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम था, नंबर एक सत सशस्त्र और बी नंबर जय संहिता, सी नंबर भारत संहिता और डी नंबर है वाज स्नेही। बहुत कम स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम है, जबकि ये जनरली क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन रहती है कि क्या होगा। तो महाभारत का जो प्रारंभ यानी शुरुआती नाम था, शुरुआत में नाम था, वो था जय संहिता। ठीक है, क्या नाम था, जय संहिता, बी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है, ऑप्शन मिल जा रहे हैं अरविंद घोष, गुरु नानक गोविंद सिंह, मोहम्मद इकबाल और डी नंबर है गुरु नानक। तो राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल की रचना है। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो कहां स्थित है, नंबर एक पश्चिम पंजाब, बी नंबर है बलूचिस्तान और सी नंबर है सिंध और डी नंबर है उत्तर पश्चिम। तो मोहनजोदड़ो है वो सिंध में स्थित है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है रसखान का वास्तविक नाम था, नंबर एक अहमद, बी नंबर अहमद शाह, सी नंबर सैयद इब्राहिम, डी नंबर मोहम्मद। तो रसखान का जो वास्तविक नाम था वो था सैयद इब्राहिम, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू दर्शन विभाजित है, नंबर एक तीन भागों में, बी नंबर दो भागों में, सी नंबर चार भागों में, डी नंबर छः भागों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, हिंदू दर्शन छः भागों में विभाजित है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है गेहूँ की फसल में कौन सा फफूंदी रोग पाया जाता है, नंबर एक झुलसा, बी नंबर उखटा, सी नंबर रस्ट और डी नंबर गुच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम कई बार से लगातार आ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रस्ट। ठीक है, गेहूं की फसल में जो फफूंदी रोग पाया जाता है वो रस्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि मालूम ही है
कि जो कंपलसरी ये सब्जेक्ट है राष्ट्र गौरव का, ठीक है, एनवायरनमेंट का, तो इसमें पूरे पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अभी हम लोग 18 ही क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन एक है 21 सितंबर, बी नंबर है 8 अगस्त, और सी नंबर है 22 मई, और डी नंबर 21 मार्च। तो दोस्तों पहले आप सभी को वन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज 21 मार्च है, इसी दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप तक ये वीडियो 21 मार्च तक ही पहुंच जाएगी जहां तक, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले विश्व वन दिवस की शुभकामनाएं, ठीक है। तो इत्तेफाक से कम आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्वेश्चन भी है, और आज वही डेट है 21 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो आज ही है विश्व दिवस। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? नंबर एक संघाई, बी नंबर न्यूयॉर्क, सी नंबर टोक्यो, और डी नंबर है ओस्लो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ओस्लो, ठीक है, ओस्लो में स्थित है डी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है? नंबर एक गीतांजलि, बी नंबर है पाथेर पंचाली, और सी नंबर गीत गोविंद, और डी नंबर है अम्रपाली। तो निम्न में से जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध कृति है वो है दोस्तों गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गरीबों की इमारत लकड़ी है? ऑप्शन देवदार, बी नंबर बांस, सी नंबर साल, और डी नंबर सागौन। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन कि गरीबों की जो गरीब लोग जो इमारत की लकड़ी की जो लकड़ी की घर बनाते हैं, ठीक है, या अपनी इमारत बनाते हैं, तो उनका संबंध किससे है, किससे ज़्यादातर बनाया जाता है, ठीक है, तो वो है राइट आंसर बी नंबर, ठीक है, गरीबों की इमारती लकड़ी बांस है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इनमें से कौन गोस्वामी तुलसीदास की कृति नहीं है? नंबर एक हनुमान बहु, बी नंबर चूरसागर, सी नंबर विनय पत्रिका, और डी नंबर रामचरित मानस। तो इनमें से जो गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति नहीं है वो है सूरसागर, क्योंकि सूरसागर किसकी कृति आप सभी को मालूम है, क्वेश्चन समझिएगा, कृति नहीं है कह रहा है नहीं नहीं है। तो जो सूरसागर है वो गोस्वामी तुलसीदास की कृति नहीं है, जो उनकी कृति है वो हनुमान बाहु, विनय पत्रिका और रामचरित मानस है, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यह है सूरदास जी की कृति। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो, ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? नंबर एक घेंघा, बी नंबर मिनीमाटा, सी नंबर घनानंद, सॉरी यहाँ पर टाइप करने थोड़ा मिस हुआ है, कोई यहाँ पर दूसरा होना चाहिए था, मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर पीलिया होना चाहिए था, वो घनानंद गलती से लिख गया, ठीक है, पीलिया, ठीक है, समझ लीजिएगा पीलिया। ऑप्शन एक है गेंगा, बी नंबर मिनीमाटा, और सी नंबर है पीलिया, और डी नंबर में से कोई नहीं। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है आप सभी को मालूम ही होगा गेंगा होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ कराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन है, आपके जनरल नॉलेज में भी कहीं अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नंबर एक है पृथ्वीराज चौहान, बी नंबर ध्रुव सेना, और सी नंबर है हर्षवर्धन, और डी नंबर है नरसिंह वर्मन। तो इलाहाबाद में जो कुंभ मेले का सम्राट जो सम्राट है जिन्होंने आरंभ कराया था उनका नाम है हर्षवर्धन, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर एक अमृतसर, बी नंबर तलवंडी लाहौर, सी नंबर फिरोजपुर, और डी नंबर है पटना। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी लाहौर में, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि एक प्रधान, एक विधान एवं एक निशान नारा किसके द्वारा दिया गया? नंबर एक दीनदयाल उपाध्याय, बी नंबर विधान चंद्र राय, और सी नंबर महाराजा हरि सिंह, और डी नंबर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो एक प्रधान, एक विधान एवं एक निशान नारा जो दिया गया था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य आदिकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप समझ ही पा रहे होंगे। ऑप्शन है कि रामचरितमानस, बी नंबर महाभारत, सी नंबर रामायण, डी नंबर है भगवत गीता। तो मैं आपको बता दूँ
कि निम्नलिखित में से जो महाकाव्य आदिकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है वो है क्या? रामायण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रामायण। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित वेदों में कौन सा वेद, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा एक वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन एक है सामवेद, बी नंबर यजुर्वेद, सी नंबर है यजुर्वेद और डी नंबर है अथर्वेद। तो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित वेदों में से जो एक त्रिवेदी में सम्मिलित नहीं है वो है यजुर्वेद। राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के तीनों रत्नों में नहीं है? नंबर एक सम्यक ज्ञान, बी नंबर पूर्ण भक्ति, सी नंबर सम्यक श्रद्धा और डी नंबर सम्यक कर्म। तो निम्नलिखित में से जो एक जैन धर्म के तीनों रत्नों में नहीं है वो है पूर्ण भक्ति। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? नंबर एक है 1970, बी नंबर है 1992, सी नंबर 1969 और डी नंबर 1985। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 1969 में। ठीक है, प्रारंभ हुआ था, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। फिलहाल मैंने आपको बताया कि पूरे 100 क्वेश्चन हैं क्योंकि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और 100 पूरे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस राष्ट्रगौरव सब्जेक्ट में। तो मैंने और क्वेश्चन इसलिए इस वीडियो में नहीं डाले क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती और आप लोगों को थोड़ा बोरिंग फील होता, इसलिए मैंने नहीं इंक्लूड किए। फिलहाल मैं ये सारे क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप वेबसाइट पे विजिट करिए जिसका नाम है sandeepinfo.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ क्लिक जरूर करिए और वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर इस पूरे मॉडल पेपर का, राष्ट्रगौरव का जो है 30 के अलावा भी और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। ठीक है, फिलहाल मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा किसी भी ना किसी हालात में, लेकिन अगर आपको अभी ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊँगा। और ये जो पूरी मॉडल पेपर है, पूरा जो मैंने मॉडल पेपर आपको ऊपर दिखाया था, ठीक है, ये सारा मैं आप लोगों को स्कैन करके PDF बना के क्वेश्चन का आंसर टिक करके मैं आप तक प्रोवाइड कर दूँगा। इसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाइए, तो मैं PDF बना के उस पर डाल दूँगा, तो आप उससे रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।